ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। मैं बाद में दे दूं। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कार्यकर्ताओं के साथ पूरे सम्मान के साथ पेश आऊंगा। कभी भी हो लोगों से न केवल उनके विकास कार्य बल्कि उनके व्यक्तिगत काम भी जो बन सकेगा वो ये गोविंद सिंह आपके सामने आपके पास आकर कर दिखाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। साथियों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी जाना है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मेरे आंखों में आंसू है खुशी के। सिंधिया के खास से पैसलार और मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए गोविंद राजपूत की आंख में मंच पर ही आंसू आ गए। ये नजारा है सुरखी विधानसभा क्षेत्र के सिहोरा में हुई सभा का, जहां गोविंद राजपूत भावुक हो गए और कहते दिखे कि किसी कार्यकर्ता का दिल नहीं दुखी करूंगा, परेशान नहीं करूंगा। इस सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी थे। गोविंद राजपूत को भावुक देख के कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और गोविंद मंत्री। इसके साथ ही कमलनाथ के खुद को एक्टर कहे जाने पर अपने अंदाज में पलटवार भी कर दिया। चलेंगे, जनता जिताएगी, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मामा मुख्यमंत्री बनाएगा, काहे की चिंता फिरता करना? चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर विकास की गंगा बहेगी। लेकिन अब सरकार सरकार का फर्क देखिए। आरोप लगा रहे कमलनाथ काम नहीं किया, तो अब मैं नारियल फोड़ता हूँ, विकास के काम करता हूँ, योजनाएं में नहीं लागू करते तो कमलनाथ को चिंता होती है और इसलिए वो गाली देते हैं। कभी कहते हैं नारियल लेके घूम रहे, कभी कहते हैं नालायक है, नालायक शिवराज। क्यों सिहोरा वालों, हम आपको नालायक लगते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, नालायक लगते हैं क्या? फिर कभी कहते हैं कलाकार है, कलाकार शाहरुख खान को मात कर रहा है। हमें तो शाहरुख खान से आज तक मिले ही नहीं, कौन शाहरुख खान है? अपन तो अपनी जनता को जानते हैं, लेकिन वो कभी शाहरुख खान, कभी सलमान खान, कभी कैटरीना कैफ, कभी जैकलिन फर्नांडिस, उन्हीं के कार्यक्रम कराते थे। धन्नू पन्ना, कल्लू मन्ना, चन्ना जुमन, राधे सीते, ये कभी याद नहीं आते थे। गरीब नहीं, किसान नहीं, माता बहने नहीं, बेटियां नहीं, यही याद आते रहते। दरअसल इस उपचुनाव में सुर्खी सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यहां सिंधिया के सबसे करीबी माने जाने वाले गोविंद राजपूत और बीजेपी से कांग्रेस में आई पारुल साहू के बीच कड़ी टक्कर है। इस बार दल बदलने के साथ गोविंद राजपूत भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो अपनी ज्यादातर सभाओं में माफी मांगते और हाथ जोड़ते दिख जाते हैं। सागर से हिमांशु शुभा पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।